स्वतंत्र भारत के कानून देश विभाजन की त्रिपर्ती से गुजर रहा था। हालात इतने खराब पेचीदा थे कि कांग्रेस को अकेले ही सरकार चलाना कठिन हो रहा था। इसीलिए उन्होंने गैर कांग्रेस नेताओं का सहयोग लेने का निश्चय किया। पंडित नेहरू ने बाबा साहब से मंत्रिमंडल में शामिल होने की प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप बाबा साहब स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक पत्रकार ने पूछा प्रधानमंत्री काल की सबसे बड़ी प्राप्ति या सफलता क्या थी, तो उनका उत्तर था हिंदू कोड बिल। इस बिल के शिल्पकार थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में दलितों के साथ साथ किसानों व मजदूरों के लिए दो भरपूर संघर्ष किया था। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल की रचना करके भारतीय नारी को समानता का अधिकार भी दिलवाया। चार से अधिक पत्नियां रखने वाली बंदिश थी, परंतु हिंदुओं में ऐसी कोई बंदिश नहीं थी। चाहे कोई 100 स्त्रियों से शादी कर ले, विधवा को ना तो पूर्ण विवाह की अनुमति और ना ही मृत पति की संपत्ति में कोई अधिकार। किसी के पति को कोढ़ अथवा कोई आशा बीमारी हो, उसका पति नपुंसक हो, निचोड़ी हो, मारपीट करता हो, साधु बन गया हो या वह ब्रह्मचारी हो, तो भी बेचारी पत्नी सारी उम्र उसके साथ रहने को मजबूर थी। इसके लिए भी बाबा साहब ने कानूनों का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बात की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।